नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन तो आते हैं। जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सुंदर रूप से समझेंगे और आप भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी डीकम्पोज से मतलब ही यहाँ पर स्पष्ट यही हो रहा है कि डीकम्पोज मतलब यहाँ पर तोड़ा जाएगा, कोई कंपाउंड को तोड़ा जाएगा। देखो कैसे, सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट अप इंटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या होगा, स्प्लिट होगा, टूटेगा। इस टाइप का जो रिएक्शन होगा हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एग्जांपल में देख लीजिए, ये एक सिंगल कंपाउंड था CaCO3, इसमें हम हीट दिए तो ये जाके क्या हुआ, टूट गया। तो पहले कंपाउंड एक ही था, ये CaCO3 सिंगल कंपाउंड था, अब यहाँ पर दो बन गया है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बच्चों। और एक और बात याद रखिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? इंडोथर्मिक। जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो सारा इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों भाई, इंडोथर्मिक क्यों होता है? क्योंकि इस रिएक्शन में हमको कंपाउंड को तोड़ने के लिए, हमको कंपाउंड को तोड़ना है, वो कंपाउंड को तोड़ने के लिए किसी न किसी फॉर्म में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है। जैसे यहाँ पर CaCO3 को तोड़ने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हीट का क्या हो रहा है भाई, हीट का एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसीलिए ये एंडोथर्मिक होता है। जितना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। बहुत बढ़िया। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने, CaCO3 में जब हीट पास करवाते हो आप तो CaO बनता है और CO2, तो यहाँ सिंगल कंपाउंड था, दो में टूट गया। तो इस तरह का रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बच्चों। आई थिंक बातें आपके दिमाग में खाली खोपड़ी में घुस रही होगी। चलो बढ़िया है। अब देखो भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और एक होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बारी बारी से सभी बातों को समझते हैं। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है भाई, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में अगर एनर्जी प्रोवाइड करवा के कोई एक कंपाउंड को जब हम तोड़ते हैं तो इस टाइप का रिएक्शन हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल का मतलब ही होता है हीट, थर्मल का मतलब ही हीट होता है। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई एक कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता हो, हीट की नीड हो, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन। NCERT का एग्जाम्पल देता हूँ और यही सारा एग्जाम्पल्स, यही से सारा क्वेश्चन आता है। दोनों NCERT का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ भाई, ये दोनों NCERT का एग्जाम्पल है जिसमें PbNO3 लीड नाइट्रेट में हम लोग हीट पास करवाए, लीड नाइट्रेट को क्या किए हैं, हीट किए हैं। तो लीड नाइट्रेट का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, मैं बता दूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, ये लीड नाइट्रेट हमारा कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। तो लीड नाइट्रेट में अगर हम हीट करेंगे, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमें देगा क्या, बनेगा PbO, लीड ऑक्साइड बनेगा। और इसका भी कलर मैं बता देता हूँ, इसका कलर येल्लो होता है, क्या होता है भाई, येल्लो होता है। और उसके बाद NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलेगा, और यहाँ पर NO2 गैस जो निकलता है ये एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो जो भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। तो यहाँ पर NO2 जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, इसीलिए NO2 का जो एक्वस सोल्यूशन होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, NO2 का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां देखो अगला एग्जांपल, तो यहां पर देखो एक सिंगल कंपाउंड था तो तीन में टूट गया, तो इस तरह का रिएक्शन हमारा क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट से टूट रहा है। अब अगला देखिए FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट, इसका कलर होता है ग्रीन, इसका क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो इसको आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो बनेगा Fe2O3, उसके बाद SO2 SO3, यहाँ भी सिंगल कंपाउंड था, यहाँ तीन बन गया, हीट गुजरवा के हम इसको तोड़े हैं। अब यहाँ पर Fe2O3 बना, इसका जो कलर होता है वो होता है क्या, ये होता है रेडिश ब्राउन,
रेडिश ब्राउन कलर का होता है हमारा Fe2O3, और SO2 और SO3 यहाँ पर गैस निकलता है जिसमें सल्फर की स्मेल आती है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ हीट से कैसे यहाँ पर टूटा है कंपाउंड वो देख लिया आपने। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन देखिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी कंपाउंड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजरवाकर कोई एक कंपाउंड को हम ब्रेक करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। जैसे वाटर देखिए, वाटर में जैसे हमने आई यानी इलेक्ट्री, आई का मतलब क्या, मैंने फिजिक्स का टर्म यूज कर दिया, यानी वाटर में जैसे ही हम विद्युत धारा फिर हिंदी वो यूज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना ठीक है। चलो यहाँ पे दो लगा दो ना भाई, क्या अब यहाँ पे करना, इतना हो गया बैलेंस ठीक है। तो अगर वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वो टूट जाता है। और एक और बात, यहाँ पर अगर वाटर में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन का दुगुना हाइड्रोजन निकलता है। क्या बोला, ऑक्सीजन का टू टाइम्स ग्रेटर, यानी ऑक्सीजन से दो गुना ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पर निकलता है। चलिए बातें समझ में आ रही होंगी, इसमें बहुत सारा बात था, कैथोड से क्या निकलता है, एथोड से, एनोड से क्या निकलता है, वो सारा बात हम करेंगे अगले वीडियो में। जैसे NaCl, NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो Na अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये भी बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेना। देखो यहाँ पे दो लगा दो, यहाँ दो लगा दो, काम खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी से इस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगला होता है जिसमें हम लाइट से कोई कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं, लाइट देकर कोई भी कंपाउंड को ब्रेक करवाते हैं तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे AgCl को देखिए, सिल्वर क्लोराइड, देखिए AgCl और AgBr दोनों का कलर व्हाइट होता है। क्या बोला मैंने, AgCl और AgBr दोनों का कलर व्हाइट होता है, ये सब पूछ देता है भाई। तो AgCl में सनलाइट पास करवाओगे तो Ag और क्लोरीन गैस यहाँ पर निकलेगा, फिर AgBr को सनलाइट दोगे तो Ag और Br2 बन जाएगा, ब्रोमीन गैस निकलता है। और AgCl और AgBr दोनों का कलर, दोनों का जो कलर तो वाइट ही होता है लेकिन इसका जो यूज होता है ठीक है। अच्छा एक बात, यहाँ इसका ब्लैक कलर होता है कि वाइट कलर होता है, ये आप कमेंट करके बताना ठीक है, मैं दिमाग से थोड़ा मिस कर रहा है, आई थिंक वाइट ही होना चाहिए। और एक और बात, AgCl और AgBr दोनों का यूज जो है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी ठीक है, फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में। तो ये सारी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो लेता हूं और अगले वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।